रहमान रहीम, आज इंटरनेशनल पीस डे है। पाकिस्तान ने माजी में बहुत से जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़ात देखे हैं, लेकिन हमेशा हमने अमन का पैगाम दिया है। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमन के इंटरनेशनल दिन है, दो तीन दिन पहले हमारी जो न्यूज़ीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अपना दौरा जो है वो कैंसिल करके चली गई है। हमारा सवाल इंटरनेशनल कम्यूनिटी से ये है कि जब आप अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर ले जाना चाहते हैं, उसका ट्रांजिट पाकिस्तान में जो है वो पुरमन है, लेकिन क्रिकेट की टीम के लिए जो है यहाँ पर दहशतगर्दी है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में इनके ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से ट्रांजिट हो, हज़ारों की तादाद में लोगों को उन्होंने पाकिस्तान ले के आए और यहाँ से इन्होंने ट्रांजिट किया, लेकिन न्यूज़ीलैंड की टीम जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर अमन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेज के, हम अपने पुलिस के जवानों को, हम अपनी आवाम को, हम अपने सियासतदानों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अमन के लिए कुर्बानियाँ भी दी और अमन के लिए काम कर रहे हैं।